हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर बैक पेपर। आप सबको बताया कि रिसेंटली बैक पेपर का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको बता दें कि इस बार पेपर 1.5 घंटे का हुआ था। पहली बार राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने बीएड का फर्स्ट ईयर का बीएड का पेपर 1.5 घंटे के कराया था। तो 1.5 घंटे का पैटर्न कैसा था वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें जानेंगे कि फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम में क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, नॉलेज एंड करिकुलम 1.5 घंटे का पेपर, टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ 2020 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बैक पेपर है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आपको बताया जा चुका है कि क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड था। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन करने थे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे, वो भी लगभग 25 शब्दों में। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? पहला क्वेश्चन था, दर्शन की कोई एक परिभाषा लिखिए, डिफाइन ऑफ फिलोसफी, एक किसी का डिफिनीशन लिखना था। ये पहला क्वेश्चन था और 2 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या था? शिक्षा का स्वरूप बताना था, नेचर ऑफ एजुकेशन। इसी में तीसरा क्वेश्चन था, रूसो की नकारात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो। चौथा क्वेश्चन था, प्रयोजनवाद की विधि, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ पैराग्मेटिज्म। और पांचवा क्वेश्चन था, यथार्थवाद के 2 मूल सिद्धांत बताइए, गिव 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कहाँ लेना मैं बताऊंगा दोस्तों। और छठा क्वेश्चन था, नीड ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्र की आवश्यकता। सातवां क्वेश्चन था, भारतीय संस्कृति की 3 विशेषताएँ बताइए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। और इसमें थैंक्स टू कैलाश यादव जी, जिन्होंने ये पेपर मेरे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच कैलाश जी, आपकी वजह से मैं ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचा पा रहा हूं, तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन था, आधुनिकीकरण का अर्थ लिखिए, यानी कि मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओके, 9वां क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के प्रकार। 10वां क्वेश्चन था, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के 4 आचार्य सत्य क्या हैं। दोस्तों, ये जो भी 10 क्वेश्चन थे ना, मैंने उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेक्शन ए के सारे 10 क्वेश्चंस, दर्शन की परिभाषा, शिक्षा के स्वरूप, रूसो के नकारात्मक शिक्षा, प्रयोजनवाद की योजना विधि क्या है, यथार्थवाद की 2 मूल सिद्धांत बताइए, शिक्षा के समाजशास्त्र की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति की 3 विशेषताएँ, आधुनिकीकरण का अर्थ, पाठ्यक्रम के प्रकार और बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में आए थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब चलिए मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आप यहां देख सकते हैं, टोटल आपके 5 क्वेश्चन आए थे, 5 में से करना था कोई 2 क्वेश्चन। यहां देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में, और 2 क्वेश्चन। पहली बार, यही फायदा है 1.5 घंटे का पेपर के, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ही आपको 40 नंबर मिल जाना है, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या थे आप आइए एक बार देख लेते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन था, दर्शन एवं शिक्षा के संबंध की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, अथवा प्रकृतिवादी शिक्षा के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, गिव सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नेचुरलिस्ट एजुकेशन। दोस्तों, अथवा का मतलब ऑब्वियस आपको पता होगा कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था, इन दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेदांत दर्शन एवं इसके शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए, डिस्कस अबाउट वेदांत फिलॉसफी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस, अथवा आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का। तीसरा क्वेश्चन आइए चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, संस्कृति की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूलिंग इन गिविंग एजुकेशन ऑफ कल्चर्स। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू सोशल चेंज। 5वां क्वेश्चन था, जनतंत्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। 5वां क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत में बेसिक शिक्षा की दशा बताइए, स्टेट द कंडीशन ऑफ बेसिक एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। 6वां और आखिरी क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्गों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द अष्टांग मार्ग ऑफ गौतम बुद्ध।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द एजुकेशन थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों यही वो पांच क्वेश्चन थे जो आए थे आपके सेक्शन बी में। तीन क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं और दो क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन था, इन दोनों में से कोई एक करना था। तो इस प्रकार से इन पाँचों क्वेश्चन, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों क्वेश्चन में से कोई दो क्वेश्चन आपको करना था। याद रहे अगर आप ये करते हैं तो ये नहीं करना, इतनी तो आपको बात ऑब्वियस पता है। तो ये पांच क्वेश्चन थे दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी बहुत ही मजे का सेक्शन है। इसमें आपको चार क्वेश्चन दिए गए थे, 7, 8, 9, 10। ये चारों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना था और वो एकमात्र क्वेश्चन 30 नंबर का था। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से लिखा होगा कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद के अंतर स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन था, अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एम एट करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू अरविंद। नौवां क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्ड बाय सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन स्कूल एंड एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण के अभिकरण के रूप में विद्यालय की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट कंप्लीस अस टू थिंक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इज नीडेड टू अचीव दिस एम, एक्सप्लेन फुल्ली विथ सुटेबल एग्जाम्पल। भारतीय में राष्ट्रीय एकता के विषय में सोचने के लिए हम क्यों बाध्य होते हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों सेक्शन सी में ये चार क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन चार में से कोई एक क्वेश्चन करना था, वो एकमात्र क्वेश्चन 30 नंबर का था। ओके दोस्तों, तो ये चार क्वेश्चन सेक्शन सी से, चार में कोई एक करना है, और पाँच क्वेश्चन सेक्शन बी में, पाँच में कोई दो करना है, और 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 10 में से कोई 5 करना है। तो यही प्रारूप होगा अगर 1.5 घंटे का रेगुलर पेपर भी होता है तो। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम का बैक पेपर था जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हुआ है, नॉलेज एंड करिकुलम का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आंसर्स क्या हैं, आंसर्स पे वीडियो जल्द बन जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय संस्कृति की 3 विशेषताएँ बताइए। मैं आपको एक अपने भारत की एक खूबसूरत संस्कृति की एक विशेषता बताता हूँ। एक्चुअल में उसे एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गया। वो खूबसूरती ये है हमारे देश की कि जब हमारे घर अपने पड़ोसी के द्वारा कोई मिठाई या कोई सामान खाने की आता है, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर खीर आ गए, पूड़ी आ गया, बिरयानी आ गया, तो हमारी संस्कृति ये है कि हम उस बर्तन को खाली वापस नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, बर्तन छोड़ दीजिए, जब हमारे घर कुछ अच्छा बनेगा तो हम उसमें भर के फिर बर्तन को लौटाएंगे। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है और ये संस्कृति की एक अच्छाई है जो मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है, यहाँ बताने की ज़रूरत ये है कि हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हम अपने तरफ से थोड़ा सा इफ़र्ट करके आप तक अगर ये नॉलेज पहुँचा रहे हैं तो वापसी में आप भी एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे, और कमेंट में ज़रूर आप फीडबैक हमें देंगे। प्लीज़ दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप फीडबैक देते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी आपको ये वीडियो लगे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो बहुत शुक्रिया, बुरा लगेगा तब भी शुक्रिया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस को और इम्प्रूव करके और अच्छे से बताऊँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और कमेंट में फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।